name is Jaden, you're watching Jaden Oxford, so let's get started without wasting any more time. जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो लवली इनू फाइनेंस है बहुत तगड़ा यहाँ पर रिटर्न निकाल कर देख रहा है. आज भी अगर देखा जाए जहाँ पर मार्केट बहुत तगड़ा यहाँ पर बूम नहीं कर रहा, वहाँ पर भी लवली इनू फाइनेंस है जो 35% का रिटर्न निकाल कर दे रहा है, जो हमारे लिए काफ़ी 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 ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आती है. अब इसके कुछ अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पर अपडेट कर लेते हैं यहाँ पर कवर, वो यहाँ पर किया गया है लवली इनू फाइनेंस सपोर्टर की तरफ से, जहाँ पर देख सकते हैं इनके जो नेक्स्ट प्लान्स है उनके बारे में मोस्टली बात कर लेते हैं. जहाँ पर इनका लवली का स्वाप आने वाला था वो आ चुका है, लॉन्च पेड भी आ चुका है, उसी लॉन्च पेड पर डॉक्टर्स कल आया, उसके बाद में फार्मिंग एंड इन्होंने पूल्स भी यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया, मतलब स्टेकिंग वगैरह का ऑप्शन. इसके बाद में इनका लवली इनू का मल्टी कॉइन वॉलेट भी आने वाला है, एज लाइक ट्रस्ट वॉलेट हो गए या फिर उसी प्रकार से कुछ इंटरफेस वाले वॉलेट हो गए. और लवली इनू का सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी आने वाला है, एज लाइक वजीर एक्स, कॉइन डीसीएक्स एंड बाइनेंस. और लवली इनू का स्वाप का यूरल आपको पता होगा, स्वाप लवली डॉट फाइनेंस हैज फार्म्स, जहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर्स कल है. अगर उसको आप फार्म स्टैकिंग में लगाते हैं तो आपको अराउंड 7.37% का EPR इन फार्म्स देखने को यहाँ पर मिल जाएगा. मतलब तीन अभी तक चीज़ें लॉन्च हुई है, उन्हीं में भी बहुत तगड़ा रिटर्न अगर लवली इनो फाइनेंस ने निकाल कर दिया है, जब इसका मल्टीकॉइन वॉलेट और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज आएगा तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर धमाका होने वाला है. साथ ही इनकी 1 तारीख को बर्निंग भी आने वाली है, और जितनी ज़्यादा यहाँ पर बर्निंग इनकी की जाएगी उतना ज़्यादा इन दोनों के लिए सही रहेगा. दोनों मतलब यहाँ पर लवली इनू फाइनेंस के सपोर्टर्स और लवली इनू फाइनेंस की कम्युनिटी यानी हम सभी में. इसके बाद में बात कर लेते हैं लवली इनू फाइनेंस के होल्डर्स के बारे में, जहाँ पर कुछ थोड़ी सी और फेरबदल हुई है, जहाँ पर हॉट भी थोड़ा सा नीचे गिर चुका है. और 5 जो टॉप होल्डर थे, जहाँ पर पहले 85% यहाँ पर स्टेक होल्डिंग होती थी, वहाँ पर 48, 21, 6, 2, 2 मतलब यहाँ पर 80 पूरा यहाँ पर रिटर्न हो रहा है. टॉप 5 होल्डर के पास में 80% कॉइंस लोक है, उन्हीं में से पहले थे 85%, मतलब 5% यहाँ से गिर चुके हैं. और जितना ज़्यादा यहाँ से गिरेंगे, मतलब पर पर्सन के पास में जितना कम क्वांटिटी रहेगा उतना लवली इनू फाइनेंस बढ़ पाएगा, क्योंकि अगर पर पर्सन भी यहाँ पर सेल करना स्टार्ट कर देता है, अगर टॉप 5 की ना मानूँ, टॉप 6 से लेकर अगर टॉप यहाँ पर 50 तक भी अगर लोग यहाँ पर बेच दे, ये भी बहुत कम क्वांटिटी नहीं होती है, बहुत तगड़ी बेशुमार क्वांटिटी होती है, तो भी लवली इनू फाइनेंस को गिराया जा सकता है. और यहाँ पर जो पहला बाना जा रहा है 48%, ये डेवलपर्स का आई थिंक सो है, जिसकी वजह से ये एयर ड्रॉप वगैरह अवेलेबल यहाँ पर करवाते हैं. कोई भी कॉइन जब कहीं पर लॉन्च हो जाता है उसके बाद में उसका स्कैम बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि 75% हो गए हैं वो यहाँ पर लॉक हुए जाते हैं. जैसे अगर मान लीजिए DXL लगानी है, तो DXL में उसके बाद में लिक्विडिटी प्रोवाइड करने पर हमारे जो 75% कॉइन है वो इस इंटरफेस में लॉक हो जाते हैं, हमारे पास खुद ही के मात्र 25% कॉइन्स यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं. उसी वजह से यहाँ पर जो स्कैम होते हैं वो एक्सचेंज पर लॉन्च होने के बाद में कॉइन में स्कैम नहीं हो सकते. तो लवली इनू फाइनेंस बिल्कुल भी स्कैम नहीं है मेरे हिसाब से. और जो डॉक्टर स्कल है उसके यहाँ पर बड़ी लिस्टिंग्स के बाद में हमें पता चल जाएगा कि भैया वो भी स्कैम नहीं निकलने वाला है. हालांकि हॉट बिट और बिटमार्ट ने तो बता दिया है, एक और था उसने भी यहाँ पर बता दिया. और मेरे हिसाब से लवली इनू फाइनेंस का ही अल्टरनेटिव है डॉक्टर स्कल, जिसने एक ही दिन में लगभग बहुत तगड़ा रिटर्न यहाँ पर सभी को निकाल कर दिया है. और उसकी जानकारी मैंने लवली इनू फाइनेंस की एक वीडियो में इंटरगेट कर दिया था लगभग 10 दिन पहले ही, कि भैया ये कॉइन आने वाला है इसको जरूर बाय करना. और जिन्होंने भी बाय किया है बात मानी उनके बढ़िया है, और जिन्होंने नहीं मानी है तो कोई भी दुख की बात नहीं है, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया है, बहुत सारा मौका यहाँ पर और भी आने वाले हैं. तो ये थे हमारे अपडेट अबाउट द लवली इनू फाइनेंस की भैया और कितना बढ़ सकता है, और $1 पर इसे जाने के लिए अपनी सप्लाई को 0.07 ट्रिलियन तक टिल एंड करना पड़ेगा. उसके बाद में अगर देखा जाएगा कि भैया $1 पहुंचेगा या नहीं. और अगर इसके होल्डर अभी की दशा में भी अगर हो जाते हैं 6 लाख से पार अराउंड शिबा इनू की तरह, तो यह शिबा इनू को भी आज के दिन के शाम ढलने से पहले पहले भैया क्रॉस कर सकता है बहुत तगड़ी रफ्तार से. क्रॉस करने का मतलब उसका जो टारगेट है उसको अचीव करके उससे भी ऊपर यहाँ पर आसानी से आ सकता है. तो ये थी हमारी वीडियो अबाउट द लवली इनू कॉइन. और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. तो भैया बने रहिए हमारे चैनल के साथ. जय हिंद, जय भारत.